अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 का स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर है, वो आप लाजमी सुन लेना पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले। तो अभी मैं आपको शॉर्ट सिलेबस से हम कर रहे हैं, तो शॉर्ट सिलेबस में टोटल 8 पार्ट हैं। 8 नहीं टोटल, शॉर्ट सिलेबस में तो 8 है ना, तो टोटल 31 है, तो जिनमें 16 है पहले, पहले 16 है सारे, पहले 8 है। तो पहले अब हम 8 पार्ट को करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ना शॉर्ट सिलेबस में, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 3x + 1 ओवर x square minus x minus 6 plus 6 minus x square minus x minus 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। यस सर। 6 dx, ड्यू ऑफ x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर अपने बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले तो देखो ना, ये कौन सी फॉर्म है? इम्प्रॉपर। में इम्प्रॉपर और प्रॉपर का आपको कैसे पता चलता है? अगर डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर देन आ जाए नोमिनेटर से, तो ये क्या होता है? फंक्शन प्रॉपर होता है, ठीक है। अगर लेस देन या इक्वल टू आ जाए तो पावर में नोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा। यस सर, ठीक है ना। अभी तक डिनोमिनेटर की पावर क्या ग्रेटर देन नोमिनेटर, तो ये क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर है। तो इसको अब हमने क्या करना है, पहले ये जोन से इसके फैक्टर बनाने हैं, x square minus x plus 6, ठीक है ना। तो इसको आपको पता क्या करो, ये आ जाएगा 3x + 1। ये इसको क्या किस चीज से मल्टीपल आप फैक्टर बनाने आते हैं आप लोगों को? ये सर क्या आ जाएगा? x square minus 3x minus 3x plus plus 2 प्लस 2x माइनस 6। यस, तो इसको देखते ऐसे हैं कि जब इन दोनों को मल्टीपल करें तो क्या आना चाहिए? माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का, और जब इनको ऐड करें तो माइनस x आना चाहिए इन दोनों को, तो ठीक है ना। अगर ये देखें तो माइनस x ही आएगा, मल्टीपल करें 6x स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 3x + 1, और ये क्या आ जाएगा? x, इधर से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, और इधर क्या आ रहा है? प्लस 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ जाएगा? x माइनस 3। जब भी ये दोनों फैक्टर के सेम आ जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमारी पार्शियल फ्रैक्शन ठीक हो रही है। अगर ये दोनों ही एक सेम ना हो तो क्वेश्चन इधर ही गलत है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद ये कैसे आ जाएगा? 3x² + 1, और ये क्या आ जाएगा? x + 2, और क्या आ जाएगा? x - 3। ड्यू ऑफ x, तो dx, अब इसको हमने क्या करना है, पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे सॉल्व। तो जब भी हम उसके पास उस a और b की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम उनकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर क्या करना है, ये इंटीग्रेशन के अलावा क्या आएगा? 3x + 1, और ये क्या आ जाएगा? x + 2, और ये क्या आ जाएगा? x - 3, ठीक है। ये हमने अब क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन के अलावा। तो अब इसके अंदर देखो ना, इसकी पावर कितनी आ रही है? इन दोनों डिनोमिनेटर पावर इनको मल्टीपल करोगे क्या आ जाएगा? 2 पावर 2 आएगी। जितनी पावर आएगी उतनी कॉन्स्टेंट यूज होंगे, ठीक है। तो जब कॉन्स्टेंट उतने कॉन्स्टेंट यूज आएंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम? इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a ओवर x + 2 + b ओवर x - 3, ठीक है ना। 2 पावर 3, इसलिए हमने 2 कॉन्स्टेंट यूज कर दिए, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में होता है उन्हीं को इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, या इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और इसका 2 का नाम दे दो, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल आए
इक्वेशन वन टू, हम इक्वेशन टू को मल्टीपल करने लगे हैं किसे, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री से। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो इधर ये नोमिनेटर, इससे डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, प्लस वन इक्वल टू, और ए के साथ ये इसको मल्टीपल करेंगे तो ये एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा और ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस थ्री, और ये क्या आ जाएगा प्लस बी, अब बी के साथ क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री से कैंसिल और ये एक्स प्लस टू आ जाएगा। इतनी समझ आ गई आपको? यस। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ आ गई? उसके बाद इक्वेशन थ्री आने के बाद हमने क्या करना होता है, जो ए के डिवाइड में हो रहा है ना, उसको पुट क्या करते हैं, पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। यस, इधर प्लस का टू, इधर जाके माइनस का टू हो जाएगा। yes, जब इसको फिर क्या कर देंगे, पुट इक्वेशन थ्री में कर देंगे, ये थ्री स्केयर आ जाएगा प्लस वन ए। जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों में से एक का आंसर क्या आना चाहिए, माइनस आएगी टू, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इनमें से एक का जीरो। ठीक है ना, जे हमारे पास जितनी भी इधर प्लस सी प्लस डी जो भी होती ना, उनमें सब जीरो हो जाने चाहिए, बस एक ही रहना था कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे बी जीरो हो रहा है, माइनस टू प्लस टू का, तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस जीरो आ जाएगा, ये समझ आ गया, टू माइनस टू, और ये इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का सिक्स प्लस वन, तो इधर से क्या आ जाएगा, माइनस का फाइव इक्वल टू ए माइनस का फाइव। अब इसको जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं, तो आप इधर से हम इधर ए को क्या, इधर ये ए के साथ माइनस फाइव मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का फाइव और माइनस का फाइव, माइनस माइनस से कैंसिल प्लस, ये फाइव फाइव से कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। इसी तरह आप ए की वैल्यू आ गई, अब इसके बाद हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हम पुट क्या कर लेंगे, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, थ्री थ्री, ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू थ्री में जी। ठीक है, जब इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास ये है, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री इंटू थ्री एक्स की जगह थ्री आ जाएगा, yes, प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा ए, और थ्री माइनस थ्री प्लस बी, थ्री प्लस टू, समझ आ गई। अब मैंने आपको बताया था एक एक ही रहना चाहिए, बाकी क्या हो जाना चाहिए, जीरो। अब इसके अंदर तो है ही दो कॉन्स्टेंट, ए जीरो हो जाएगा, प्लस का थ्री माइनस का थ्री, और प्लस बी इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा, और इसको करेंगे तो सेवन आ जाएगा, सिक्स प्लस वन सेवन, तैंतीस नौ, नाइन प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा, टेन। यस यस, और ये कितना आ रहा, फाइव भी, तो अब इधर फाइव आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू, फाइव टू टेन। ठीक हो गया, इसके बाद हमने क्या करना होता था, जो हमने आप ए और बी की वैल्यू निकाली है ना, वो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर पुट करनी होती थी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन टू इन इक्वेशन टू, तो इन इक्वेशन टू में पुट करेंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा, वन, एक्स प्लस टू, और प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, टू ओवर एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। अब इनको क्या करेंगे, ये किसकी इक्वल था, थ्री एक्स प्लस वन, हाँ जी, ओवर
x minus 3। अब इनकी क्या कर लो, इंटीग्रेशन भी ले लो इधर, समझ आ जाएगी फिलहाल, शायद समझ आई है। तो इधर ये वन, इधर ये देखो ना, अब इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फंक्शन है, ये इसके ऊपर डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ये इसके ऊपर डेरिवेटिव, टू कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव वन है, इसका भी डेरिवेटिव वन है, दोनों के ऊपर है, तो इधर ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू प्लस टू बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, नेचुरल लॉग एक्स माइनस थ्री मार एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ये हमारे क्या आ गया आंसर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा करना पार्ट, अब क्या है आठवीं, बाकी कर लेंगे, बाकी जो भी वीडियो देख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 1 करवा दे, इसके बाद क्वेश्चन 8 मैं करवाने लगा अपने स्टूडेंट्स के कहने पर, तो जिसको भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो वो मुझे कमेंट करे, वो बताए कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं उसे सॉल्व करके दे दूंगा, और मैं समझा दूंगा भी कैसे क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मैं हाजिर हूँ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, वो लिखा था इंटीग्रेशन, मुंह बंद कर लो यार, क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 2x3 - 3x2 - 3x2 - 3x2 - 2 यस अच्छा डी ऑफ एक्स यस जी सर तो यार ये क्वेश्चन देख लो यही है सेम हैं यस सर एक लिखा हुआ है अब हमने इसको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन करनी है सबसे पहले तो इसको ये देखना है प्रॉपर है या इंप्रॉपर है तो अब्दुल रहमान ये बता प्रॉपर है या इंप्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे हमें कैसे पता चला ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसकी नॉमिनेटर की पावर क्या ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है ठीक है नॉमिनेटर की पावर क्या है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इसीलिए हमको पता क्या चला कि ये क्या है इम्प्रॉपर हाँ जी नॉमिनेटर में पावर छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से अब इधर पावर बराबर आ जाएगी या ग्रेटर देन आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर बराबर भी नहीं आनी चाहिए बराबर भी आएगी तो हम क्या करेंगे पहले डिवाइड करेंगे ठीक है अब ये क्या है दिस इज इम्प्रॉपर फर्स्ट वी मेक इट प्रॉपर Yes, sir. तो प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है ना ये जो डिनोमिनेटर होता है उसको नॉमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाएगा क्या हमारे पास नॉमिनेटर 2x2 - 3x - 2 समझ आ गया कितनी अब देखो ना इधर क्या है पावर एक्स क्यूब है इधर हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर तो पहले तो हमने एक्स क्यूब को खत्म करना है इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे एक्स से मल्टीपल कर देंगे एक्स से जब मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x³ आ जाएगा और माइनस 3x³ भी आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा यही आ रहा है ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस इधर ये लैम्डा चेंज हो जाती है जो माइनस में वो प्लस हो जाती है
और इधर क्या आ जाएगा प्लस, और इसके आप देखो ना ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा आप ये देखो ना, ये प्लस का 2x है, ये माइनस x है, तो x आ जाएगा माइनस 7। समझ आ गई इतनी? उसके अब ये क्या हो गया, प्रॉपर प्रॉपर से अब हमने क्या इम्प्रॉपर से हमने प्रॉपर में कन्वर्ट किया है, तो उसके बाद जो फर्स्ट ईयर वाले अच्छा यार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आ रहे, तो इधर ये देखो आप इधर देख लो, इधर आप इसको लिखने का तरीका क्या है, अच्छा आप इधर देख लो, पहले ये देखो ये इम्प्रॉपर थी, हमने इसको क्या किया प्रॉपर में कन्वर्ट किया, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किया था, इसको डिवाइड कर दिया नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या था, जो ऊपर होगा ना क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस ओवर में जो है ये क्या आ जाएगा x माइनस 7, और जो डिनोमिनेटर होगा वो ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डी ऑफ x साथ में आ जाएगा, ब्रैकेट निकालो साहब, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इनके रहता इनकी इंटीग्रेशन कर दो, इधर इंटीग्रेशन आ जाएगी x डी ऑफ x और ये प्लस प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डी ऑफ x, समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और फिर इसके बाद कंसीडर कर लो इसको, जैसे अब हमने 2 पॉइंट ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, ठीक है ना, आगे सेम वही है, तो जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर, ये क्या आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अब हमने किस चीज से मल्टीपल और डिवाइड करें, सॉरी मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट किस में करें, माइनस 4 x माइनस 7। अब देखो ना इसे मल्ट करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगी, yes. ठीक है ना, अब हम किस चीज से मल्टीपल करेंगे इसको, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 आ जाएगा प्लस का x आ जाएगा, ठीक है अली, yes, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2। अब हमने ये देखना होता है कैसे करें, इधर ये क्या था 2x स्क्वायर था, ये माइनस 2, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, यही आ रहा था ना, इन दोनों को मल्टीपल। अब भाई उसके बाद जो हम इधर दो बनाते हैं ना फैक्टर, उन दोनों को आपस में मल्टीपल करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 4x स्क्वायर ही आना चाहिए, प्लस का 4x स्क्वायर आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप इधर देख लो माइनस का 2x माइनस का 2x होता तो 4 ही है, ठीक है। ए फर्स्ट तो हमारे पास ये माइनस 3x नहीं बनेगा, सेकंड हमारे पास क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस का x और इसको, और इसके बाद अगर माइनस का 4x में से प्लस x करेंगे तो माइनस 3x, ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है, हमारे इधर क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद इनके अंदर से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर से 2x, ठीक है, तो बाकी क्या जाएगा x माइनस 2 यही रह जाएगा, yes, उसके बाद प्लस इसके अंदर से क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 2। अब ये दोनों सेम है ना अंदर, तो इसका मतलब क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक हो रहा है। इधर से आपने ये देखना है, उसके बाद ये दोनों सेम आ गए तो फिर ये भी क्या पता चला क्वेश्चन ठीक हो रहा है, अगर ये दोनों सेम ना हो तो क्वेश्चन गलत आगे करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या आ जाएगा x माइनस 7 2x प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है, इतनी समझ आ गई। उसके बाद इसी पर अगर आप इन दोनों को मल्टीपल करो तो पावर क्या बन रही है x की x स्क्वायर, तो जितनी पावर होगी मैंने बताया था जितनी डिग्री होगी उतनी कांस्टेंट ले लेंगे। अब इधर x स्क्वायर है तो इसके अंदर 2 कांस्टेंट यूज कर लेंगे हम, तो एक और क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, और प्लस b में क्या आ जाएगा
x माइनस टू, समझ आ गई? इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दो, सही है। उसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीपल और डिवाइड ये डिनोमिनेटर से कर देते हैं, मल्टीपल क्या कर देंगे, सॉरी मल्टीपल ही करना है, मल्टीपल बाय टू एक्स के प्लस वन एक्स माइनस टू, क्या इक्वेशन टू को, ठीक है ना। तो ऊपर क्या रह जाएगा, ये तो इसे डिवाइड हो जाएगा, इसे मल्टीपल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस सेवन, और ये क्या आ जाएगा ए एक्स, इसके साथ क्या आ जाएगा एक्स टू एक्स प्लस वन, तो कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस टू, और प्लस बी इसके साथ एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा टू एक्स प्लस वन, ठीक है। इसका इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दो, समझ आ रही है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो पुट क्या, अब उसके बाद पुट करना है, अब इधर क्या है टू एक्स प्लस वन, इसको क्या पुट कर लेंगे जीरो इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू इधर से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये इधर ये प्लस का वन है तो इधर जाके माइनस का वन, उसके बाद टू के साथ मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, समझ आ गई। तो अब इधर ये क्या गया माइनस का वन ओवर टू, इसको अब हम क्या कर देंगे इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा माइनस का वन ओवर टू माइनस का सेवन, और ये इधर क्या आ जाएगा ए माइनस वन ओवर टू माइनस टू, और ये प्लस बी टू इंटू माइनस वन ओवर टू प्लस वन, यही है ना। अब मैंने आपको बता दिया आप एक एक कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, बाकी सारे जीरो हो जाने चाहिए। तो अगर इधर से हम टू को इस टू से डिवाइड कर दें, बाकी क्या रह जाएगा माइनस का वन प्लस का वन, वो क्या आ जाएगा जीरो, समझ आई है, माइनस वन प्लस वन। और इधर से अगर इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा टू, ठीक है ना, ये माइनस का वन आ जाएगा माइनस का फोर आ जाएगा, और इधर से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा टू माइनस का वन प्लस का फोर्टीन माइनस का फोर्टीन, ठीक है ना, सेवन टू फोर्टीन। तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का फिफ्टीन ओवर टू, और ये इधर क्या आ जाएगा माइनस का फाइव बाई टू, और क्या आ जाएगा ए, उसके बाद आप ये देखो ना ये टू टू से डिवाइड इधर जाके मल्टीपल होगा, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, यस सर। अब ये वाली माइनस सिक्स माइनस से कैंसिल होगी, यस सर। अब इधर फाइव है ए के साथ मल्टीपल हो रहेगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा फिफ्टीन ओवर ए सॉरी फाइव इक्वल टू ए, तो ये थ्री आंसर आ जाएगा आएगा, आगे समझ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बी की आउटपुट को क्या लेंगे, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये ए की वैल्यू आ गई, पुट एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टू प्लस के, तो इसको हम क्या कर देंगे पुट इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन थ्री हमारे पास ये है, तो सेवन इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा टू, और माइनस सेवन इक्वल टू ए टू माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी क्या टू इंटू टू प्लस वन, सही है। ये क्या आ जाएगा माइनस का फाइव, और ये इधर से क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, और इधर से ये कितना बन जाएगा फाइव बी टू प्लस टू प्लस वन, टू टू मल्टीपल होगा फोर हो जाएगा प्लस वन फाइव बी आ जाएगा, तो इधर ये क्या आ रहा है फाइव बी माइनस फाइव, तो ये फाइव फाइव इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। उसके बाद अब ये बी और ए की वैल्यू आ गई, उसके बाद हम क्या कर देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर कौन सी टू में, तो इसके अंदर टू के अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए ओवर टू एक्स प्लस वन, और प्लस बी की जगह क्या देगा माइनस वन, और ये क्या देगा एक्स माइनस टू, ठीक है। उसके बाद क्या थ्री ओवर है वन की जगह थ्री है, क्या फील है यहाँ पे पहले पहले एक ही कीमत थी, एक कीमत थ्री है थ्री है,
ये आ गया और ये माइनस का एक्स ये आ गया माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू, इसको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, ठीक है ना, समझ आ रही है, ये इसकी इक्वल था ना ये वाला, ठीक है। अब ए और बी के वैल्यू निकाल इसको ए में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा थ्री टू एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस वन एक्स माइनस टू डी ऑफ एक्स, समझ आ गई, ठीक है। तो इसके बाद एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू। अब इधर देखना इसका फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, टू टू के साथ हम मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टू के साथ मल्टीपल और डिवाइड कर देंगे टू आ जाएगा ऊपर टू एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स, और इधर क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस टू डी ऑफ एक्स, समझ आ रही है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस थ्री ओवर टू, तो इसका ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी नेचुरल लॉग टू एक्स प्लस वन और साथ में क्या आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, सही समझ आ गई।